हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यम्मी डिलाइट्स फॉर फूडीज। आज मैं आप सबसे कर्नाटका फेमस बोंडा सूप की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अभी विंटर का सीजन है तो सूप पीना बहुत ही अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, एक बार इस सूप को बना के देखना जरूर, बहुत ही मजे का बनता है। और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स रात को लाइट लेना पसंद करते हैं, लेकिन सूप से पेट नहीं भरता है, तो अगर इस तरह से सूप बनाएंगे तो बहुत ही फीलिंग होगा और उनको भूख नहीं लगेगी। तो ये सूप उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा डिनर ऑप्शन है। इसके लिए मैंने हाफ कप पीली वाली मूंग की दाल को अच्छी तरह से वॉश करके आधे घंटे के लिए सोक कर दिया था। अब कुकर में मैं ऐड कर दूंगी। मैंने कुकर में ऑलरेडी 4 कप पानी ले रखा है। जिस कप से मैंने दाल लिया था उसी कप से पानी लेना है। पानी डिपेंड करता है आप कितना पतला या थिक सूप पसंद करते हो, थोड़ा सा पानी कम ज्यादा रख सकते हैं। फिर मैं इसमें 2 बड़े साइज का टमाटर, 4 से 5 क्लोव गार्लिक और 3 से 4 हरी मिर्च ऐड कर दूंगी। हरी मिर्च ऐड करने के बाद 1 इंच अदरक ऐड कर देना है। लहसुन और हरी मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट कम ज्यादा रख सकते हैं। फिर मैंने 2 तेजपत्ता ऐड कर दिया है। तेजपत्ता ऐड करने के बाद 2 हरी इलायची और 4 से 5 लौंग ऐड कर देना है। लौंग और हरी इलायची ऐड करने के बाद नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड करना है और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर ऐड करने के बाद 1 टीस्पून ऑयल ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून मस्टर्ड ऑयल ऐड कर दिया है। आप जो भी तेल पसंद करते हैं ऐड कर सकते हैं। तेल ऐड करने के बाद दाल को 2 से 3 व्हिसिल आने तक पका लेना है। तब तक पकाना है जब तक दाल अच्छी तरह से गल नहीं जाता। जब तक दाल पक रही है मैं बोंडा के लिए उड़द दाल का पेस्ट बना लूंगी। तो मैंने यहाँ पर 1 कप उड़द दाल को ओवरनाइट सोक कर लिया था, अच्छी तरह से वॉश करके छान के ले लिया है। और ये देखिए, 2 हरी मिर्च, 2 से 3 क्लोव गार्लिक, 1 इंच जिंजर और थोड़े से करी पत्ता के साथ पेस्ट बना लिया है। करी पत्ता मैंने यहाँ पर 8 से 10 लिए थे। फिर मैंने 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर दिया है। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करने के बाद 1 टेबल स्पून फाइनली चॉप्ड फ्रेश कोकोनट ऐड करना है। ये देखिए, 1 टेबल स्पून कोकोनट मैंने ऐड कर दिया है। नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड करना है और नमक ऐड करने के बाद 1 टीस्पून करी पत्ता और 1 टीस्पून धनिया का पत्ता बारीक कट करके मैंने लिए हुए हैं ऐड कर देना है। करी पत्ता और कोरिएंडर लीव्स ऐड करने के बाद 1 पिंच सोडा ऐड करना है, जो कि ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। सोडा ऐड करने के बाद एक बार सभी चीजों को बैटर में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और 1 मिनट तक फेंट लेना है। तो ये देखिए, सभी चीजों को मैंने मिक्स कर दिया है और 1 मिनट तक मैं बैटर को फेंट लूंगी। बोंडा का बैटर फ्राई करने के लिए तैयार है। ये देखिए, दाल बिल्कुल बॉयल हो गया है, तो अब इसको छान लेना है। और दाल को छान लेने के बाद इसमें से तेजपत्ता, लौंग, इलायची, जितने होल स्पाइसेज है उसको निकाल लेना है। सारे होल स्पाइसेज को निकाल लेने के बाद दाल का एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेना है। इसमें से मैंने लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को नहीं निकाला है। जब मैं दाल को पीसूंगी साथ में ये तीनों भी पीस जाएंगे। ये देखिए, मैंने दाल का फाइन पेस्ट बना लिया है और मैंने जो पानी निकाल के रखा था उसी में इसको मिक्स कर देना है। अब मैं तड़के के लिए कढ़ाई में सरसों का तेल ऐड करूंगी। आप अपने पसंद का कोई भी तेल, घी, बटर, कुछ भी ले सकते हैं। फिर मैं इसमें 2 सूखी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून जीरा और 1/2 टीस्पून काला सरसों ऐड कर दूंगी। जीरा, राय और लाल मिर्च ऐड करने के बाद एक बार मिक्स कर लेना है और फिर मैं इसमें हींग ऐड करूंगी। तो ये देखिए, मैंने इसमें 1/4 टीस्पून हींग ऐड कर दिया है। और हींग ऐड करने के बाद फिर इसमें करी पत्ता ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पर 10 से 12 करी पत्ता ऐड कर दिया है। करी पत्ता ऐड करने के बाद तड़का को क्रैकल होने देना है और जब तड़का क्रैकल हो जाएगा फिर मैं इसमें प्याज ऐड करूंगी।
तो मैंने यहाँ पर एक छोटा प्याज बारीक कट करके ऐड कर दिया है। प्याज ऐड करने के बाद प्याज को हल्का ब्राउन होने तक भून लेना है। तो ये देखिए तकरीबन हाफ मिनट से मैं प्याज को सॉटे कर रही हूँ और प्याज हल्का ब्राउन हो गया है। तो अब मैं दाल को इसमें ऐड कर दूंगी। तो ये देखिए दाल को जो मैंने बॉईल करके रखा था ऐड कर दिया है। और दाल ऐड करने के बाद एक बार मिक्स कर लेना है। सूप की कंसिस्टेंसी को चेक कर लेना है। अगर आपको थोड़ा सा पतला चाहिए तो पानी ऐड कर सकते हैं। और दाल में अच्छी तरह से बॉईल आने देना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक स्लो फ्लेम पे पका लेना है। और ये देखिए दाल अच्छी तरह से उबलने लगा है। तो अब मैं एक नींबू का जूस इसमें ऐड कर दूंगी। नींबू का जूस ऐड करने के बाद एक बार मिक्स कर लेना है और सूप बिल्कुल डन है। लास्ट में सूप को कोरिएंडर लीव्स से गार्निश कर लेना है। तो दाल सूप डन है और बोंडा को मैं फ्राई कर लूंगी। तो आप चाहे तो छोटे छोटे पकौड़े फ्राई करके दाल सूप के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर बड़ा बड़ा बोंडा बना के। तो मैं बड़ा बड़ा बोंडा बना लूंगी और फिर दाल सूप के साथ सर्व करूंगी। तो ये देखिए कढ़ाई में मैंने तेल गर्म होने के लिए चढ़ा रखा था और बड़े बड़े साइज के बोंडे मैंने ऐड कर दिए हैं। दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। अभी विंटर का सीजन है फ्रेंड्स, एक बार इस सूप को बना के देखना जरूर, बहुत ही औसम बनता है। उड़द दाल का पकौड़ा और मूंग दाल का सूप दोनों का औसम कॉम्बिनेशन है। पकौड़े को अच्छी तरह से दबा दबा के दोनों साइड से सेक लेना है ताकि अंदर से कच्चा ना रहे। तो ये देखिए दोनों साइड से पकौड़े अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। तो अब मैं पकौड़े को निकाल लूंगी। सारे बोंडे को ये देखिए मैंने निकाल लिया है और अब मैं सूप को असेंबल करूंगी। तो बाउल में पहले मैं सूप को ऐड करूंगी। आप चाहें तो बोंडा भी पहले रख सकते हो। मैंने पहले सूप को ऐड कर दिया है और फिर इसके ऊपर अब मैं बोंडा को एडजस्ट करूंगी। तो ये देखिए सूप को बाउल में ऐड करने के बाद अब मैं बोंडा को रख देती हूँ। मैंने यहाँ पर एक ही बड़े साइज का बोंडा बनाया है। छोटे छोटे पकौड़े तल के भी आप इसमें रख सकते हैं 3 से 4। और लास्ट में कोरिएंडर लीफ से सूप को गार्निश कर देना है। अगर आप सबको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाना न भूलें ताकि जब भी मैं अपनी न्यू रेसिपी डालूं आप सबको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए।